नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 एचपी कैटेगरी के लिए मल्टीपर्पज़ ट्रैक्टर है जिसको आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने काम के लिए या फिर कमर्शियली भी चला सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो उसमें आपको 3 सिलेंडर 50 HP का इंजन आपको मिल जाता है जो कि मैक्सिमम पावर 50 HP प्रोड्यूस करता है 2200 रेटेड RPM पे। दोस्तों अगर आपको ट्रैक्टर की पूरी पावर चाहिए तो आपको 22 की रेस पे ट्रैक्टर को चलाना पड़ेगा तो आपको इसकी मैक्सिमम पावर मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 3 सिलेंडर यहाँ पे बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप का पूरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिंगल आपको डीजल फिल्टर देखने को मिल जाता है। और इधर साइड में अगर देखोगे तो आपको, अगर बात करें पावर स्टीयरिंग के बारे में, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके, यहाँ पे टूल बॉक्स दे रखा है आपको जो कि मेटालिक टूल बॉक्स है। सेपरेटर आपको दे रखा है यहाँ पे, पानी तेल में अगर पानी वगैरह बन जाता है तो इससे आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि मेटल का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी कैपेसिटी पूरी 60 लीटर की आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको रियल साइड शिफ्ट में ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिल जाता है, बिल्कुल रियल साइड शिफ्ट में यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप। दोस्तों अगर बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो इसमें आपको 425 mm का पूरा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है अच्छा खासा। यहाँ पे आपको बहुत सारे लिफ्टोमेटिक के पूरे बहुत सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपनी सेंसिंग को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाइड्रोलिक जो सेंसिंग होती है उसको यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकती है। ये डिवाइस 24/7, आपको कोई भी दिक्कत होती है इस ट्रैक्टर में तो आप यहाँ पे एक बटन है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास पहुँच जाएगी। कंपनी से आपको कॉल आएगा और आपकी जो भी समस्या आप बता सकते हैं और उसका सलूशन आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका कूलेंट दे रखा है ट्रैक्टर का, और यहाँ पे पूरा का पूरा काफ़ी बड़ा यहाँ पे रेडिएटर कंपनी ने प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको प्री क्लीन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बात करें ट्रैक्टर के एयर फिल्टर के बारे में, एयर क्लीन के बारे में, उसमें आपको ऑयल बाथ टाइप का पूरा एयर फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक फिल्टर दे रखा है, और इधर साइड में आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर दे रखी है जो कि 12 वोल्ट की है। डबल पंप दे रखा है, काफ़ी हैवी ड्यूटी पावर स्टीयरिंग का पंप अलग दे रखा है, हाइड्रोलिक का पंप आपको अलग से दे रखा है। इधर आपको इंजन ऑयल का फिल्टर दे रखा है। दोस्तों इसमें आपको 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे अल्टरनेट देखने को मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इसमें आपको सिंगल स्टेप चढ़ने के लिए पूरा काफ़ी बड़ा और काफ़ी खुला डुला प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी हाइट है आपकी, आप आराम से काफ़ी मतलब पैरों को अपना फैला के आराम से बैठ सकते हैं और अपने हाइट और वेट के हिसाब से सीट को पूरा एडजस्ट कर सकते हैं कंफर्टेबली। काफ़ी डीलक्स सीट आपको देखने को मिल जाती है। बात करें दोस्तों ट्रैक्टर के PTO के बारे में, इसमें आपको दो तरह की PTO मिल जाती है, 540 स्टैंडर्ड और मल्टी रिवर्स PTO का ऑप्शन भी आपको दे रखा है। यहाँ पे देखो ये ब्रांडिंग दे रखी है, 540 स्टैंडर्ड और मल्टी रिवर्स PTO का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें ट्रैक्टर के टायर साइज के बारे में, जो पीछे के टायर्स है वो आपको 14/28 के और जो आगे के टायर्स है वो 7/50 के आपको देखने को मिल जाते हैं। ट्रैक्टर के पीछे के साइड में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पीछे से कुछ इस तरीके का लुक हमें ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे सबसे पहले बताऊँ, आपको 5 ईयर्स और 5000 आवर्स की वारंटी दे रखी है, 5 साल 5000 घंटे की वारंटी दे रखी है। इस बीच अगर आपके ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कंपनी से अपने जो भी प्रॉब्लम होती है उसको क्लेम करवा सकते हैं। यहाँ पे डिपर्स दे रखे हैं जो कि ट्रेडिशनल आपको डिपर्स देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको डबल ऑक्सिलरी वाल्व दे रखे हैं जो कि 50 HP कैटेगरी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है आज की डेट में। मतलब कोई भी किसान 50 HP ट्रैक्टर पर कंप्यूटर मांझा है या हाइड्रोलिक प्लाव है वो चलाना चाहता है, हाइड्रोलिक ट्रॉली है वो चलाना चाहता है, तो ये एक ऐसी चीज़ बन गई है कि भाई इसके बिना तो ट्रैक्टर में मज़ा नहीं आता है। तो ये कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, AC DC वॉल्व जिनको बोलते हैं, ऑक्सिलरी वॉल्व भी बोलते हैं। दोस्तों बात करें ट्रैक्टर के PTO HP के बारे में, PTO पे कितना HP मिलता है, तो इसमें आपको 42.5 HP का PTO आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ADDC टाइप का पूरा आपको लिफ्टोमेटिक देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ पूरी सेंसिंग आपको यहाँ से कंट्रोल होती है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें ट्रैक्टर के यहाँ पे लिफ्टोमेटिक पट्टों के बारे में, तो काफ़ी हैवी यहाँ पे पट्टे दे रखे हैं जो कि आप जो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2000 kg की आपको मिल जाती है। काफ़ी हैवी ड्यूटी यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, यहाँ पे चैन सिस्टम ना दे करके यहाँ पे पूरा स्टे वॉर लगा हुआ है। आराम से इसको यहाँ से आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चैन में क्या होता है भाई, जब ज़्यादा जंग लग जाती है तो वो चैन खुलना मुश्किल हो जाती है, इसलिए ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी ट्रैक्टर में। और दोस्तों यहाँ पे इसके एक्सल के बारे में अगर देखोगे तो पूरा का पूरा जो एक्सल है आपको सीधा एक्सल देखने को मिल जाता है, पूरा जो एक्सल है वो स्ट्रेट है। दोस्तों इसमें कोई भी रिडक्शन सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है, पूरा स्ट्रेट जो एक्सल है वो आपको स्ट्रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक अलग से लगाया हुआ है ऑक्सिलरी लीवर दे रखा है, कोई भी हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट चलाते हैं तो इस वाले लीवर से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 7-पिन सॉकेट दे रखा है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी लाइट वगैरह आप लगवाते हैं अपनी ट्रॉली में या फिर किसी भी इंप्लीमेंट पे तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, 2 लीटर की पानी की बोतल रखने के लिए स्पेसिंग आपको दे रखी है,
और इस तरीके से पूरा सेटअप आपको देखने को मिल जाए। और जो पावर स्टीयरिंग है वो आपको काफ़ी छोटी और काफ़ी डिलक्स इजी टू ड्राइव पावर स्टीयरिंग आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको इजीली रोटेट करने के लिए यहाँ पे नोब दे रखा है और आसानी से अपनी स्टीयरिंग को कम जगह में आप रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिजिटल डैशबोर्ड दे रखा है, आपको फ्यूल मीटर, आरपीएम मीटर, घंटे कितने चला हुआ है, टेम्परेचर कितना है, सारे के सारे इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉपर दे रखा है, हेडलाइट्स के लिए कंट्रोल्स दे रखे हैं बहुत सारे। और इधर साइड में दोस्तों अगर इसमें यहाँ पे क्लच ब्रेक्स का पेडल दे रखा है। और यहाँ पे आपको साइड शिफ्ट में गियरबॉक्स आपको दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 8+2 का गियरबॉक्स मिल जाता है कॉन्स्टेंट मैस के साथ। इधर आपको यहाँ पे पोल्यूशन ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर दे रखे हैं। दूसरी साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल, हॉर्न हो गया, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट हो गया, डुअल क्लच होगा, डुअल क्लच सेटअप आपको दे रखा है। और यहाँ पे आपको लो हाई यानी कि लो हाई का यहाँ पे लीवर दे रखा है और इस तरीके से आपको देखने मिल जाता है। इधर आपको यहाँ पे पीटीओ का गियर आपको देखने को मिल जाता है। ये जो ट्रैक्टर है वो है यूरो पावर हाउस, जो कि बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है। यहाँ पे दोस्तों यूरो और नीचे पावर हाउस की ब्रांडिंग दे रखी है, जो कि बिल्कुल न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको वही हैलोजन लाइट का सेटअप मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे अलग लाइट दे रखी है जो कि हाई बीम के लिए हैं और वो लो बीम के लिए, डबल यहाँ पे लाइट्स के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एरोडायनेमिक बनाया गया है, ट्रैक्टर को जाली लगा रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा ट्रैक्टर में जा सके, ट्रैक्टर बिना गर्म हुए लंबे समय तक काम कर सके। तो यहाँ पे एस्कॉर्ट का लोगो क्रोम में यहाँ पे वो दे रखा है, कंपनी फिल्टर आपको हैवी बम्पर दे रखा है और जो इसका फ्रंट एक्सल वो आपको नॉन एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखोगे आप यहाँ पे भी आपको पावर हाउस की ब्रांडिंग दे रखी है यहाँ पे भी, और ये 4 स्टार लगे हुए हैं। यूरो 47 की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे पूरा बोल्ड कलर में पावर ट्रेक लिखा हुआ है, स्टिकर जो लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही अट्रैक्टिव स्टिकर लगे हुए हैं। यहाँ पे डीजल सेवर का यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है वो नया लॉन्च किया गया है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे इसमें आपको आगे के जो टायर्स हैं वो बड़े दे रखे हैं, 750 के टायर्स हैं। जो पुराना मॉडल आता था उसमें आपको 650 के टायर्स मिलते थे, इसमें आपको 750 के, और पीछे के 16 नो के ऑप्शन में भी आपको 14 नो 16 नो के ऑप्शन में भी टायर्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा बदलाव इसमें किया गया, इसमें जो गियरबॉक्स है वो आपको साइड शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, पहले आपको सेंटर में मिलता था, लेकिन इसमें जो नई जनरेशन को देखते हुए यहाँ पर जो गियरबॉक्स है उसको साइड शिफ्ट में कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है पूरा 47 का पूरा वीडियो, 50 HP का ट्रैक्टर है और इसकी जो इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी है आपको 2761 CC का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। सो ये था पूरा यूरो 47 पावर ट्रैक का वीडियो। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर को, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप कितने में इसको ले सकते हैं? दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो ऑन रोड प्राइस है वो 6,80,000 में आप इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।